मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ सर? अशोक गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? लक्ष्मी नगर। सर कितने साल का है आपका बच्चा? बेटी है 13 ईयर्स की। सर क्या देख रहे थे आप अपनी बच्ची के लिए? स्कूलिंग के लिए तो ओवरऑल उसका स्कूल का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स वाइज प्लस ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सर कौन कौन से स्कूल्स आपने कंसीडर किए थे अपने बच्चे के लिए? प्रेफरेंस तो नियर बाय स्कूल्स की थी। वैसे एक हमने मदर टेरेसा देखा था और एक डीएवी स्कूल देखा। मदर टेरेसा कहाँ पर सर? प्रीतिया। और डीएवी? डीएवी दयानंद विहार। सर कौन सा स्कूल आपने फाइनली चूज किया और क्यों? फाइनली चूज हमने नेशनल विक्ट्री किया। कहाँ पर? पटपड़गंज जी। बिकॉज मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी वहीं पढ़ता था और मेन रीजन तो यही था। वैसे ये इसी वजह से इसको चूज किया। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल के साथ? कुछ ऐसी दो बातें इस स्कूल के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं? एक तो उनका प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है एंड सेकंड थिंग आई लाइक टू से कहना चाहिए कि ज्यादा होमवर्क नहीं है उनका। सर नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल के अंदर कुछ ऐसा जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपको लगता है आपके हिसाब से? जी जी। क्या चीज़? उसमें उनका एक टीचर्स बड़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्टॉप हो और एक टीचर रेगुलरली जो क्लाइंट टीचर और स्टूडेंट का जो रेपो है वो बिल्डअप नहीं हो पाता तो वो चाहते हैं कि वो बने। मतलब थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए टीचर पढ़ाएंगे बच्चे को तो वो ज़्यादा उनका रेपो अच्छा बन जाता है। बच्चे भी टीचर को भी समझ लेते हैं और टीचर जो टीचर है वो बच्चे को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। सर 1 to 5 के स्केल में जहाँ 1 का मतलब है कि आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब है कि आप पूरे तरीके से सिफारिश करेंगे तो नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल की आप दूसरे पेरेंट्स को कितने सिफारिश करेंगे? 3 Thanks a lot, sir. Thank you.